अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर जावेद और यूट्यूब चैनल QJMTV में आपको खुशामदीद कहते हुए ये उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फैसल टाउन के सी ब्लॉक की डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करनी है कि कहां तक उसकी डेवलपमेंट पहुंची है और कंस्ट्रक्शंस की क्या सिचुएशन है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हुई है या नहीं। अभी हम ए ब्लॉक से गुजर रहे हैं, ये ए ब्लॉक का कमर्शियल एरिया है आपके सामने और यहाँ पे काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और फंक्शनल हैं बिल्डिंग सारी। यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं इसकी, कमर्शियल एक्टिविटीज़, और बहुत कम, कोई एक आध प्लाट ही ऐसा रह गया है कि जिस पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है कमर्शियल के, ख़ासकर जो मेन कमर्शियल है इनका। ये ए ब्लॉक की आबादी आप देख सकते हैं कि ए ब्लॉक में भी काफ़ी हद तक आबादी है, बी ब्लॉक में भी है लेकिन ए ब्लॉक में ज़्यादा आबादी है। ये हम सी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं और सी ब्लॉक फैसल टाउन का जो है आखिरी ब्लॉक है जो लॉन्च किया गया अभी तक। यह आपकी राइट साइड लेफ़्ट साइड पे मिनी कमर्शियल है और ये स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग भी तैयार हो गई है, स्कूल तैयार हो गया है यानी। और जो पहली डेवलपमेंट नज़र आ रही है ये सामने आपको जो घोड़े नज़र आ रहे हैं, बाकी डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन अपनी जगह लेकिन इनकी स्पीड ज़्यादा लग रही है। ये मेन डबल रोड है फैसल टाउन सी ब्लॉक का जो कनेक्ट करेगा, लिंक करेगा इसको श्रीनगर हाईवे को। और आज मैं आपको श्रीनगर हाईवे भी यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा एरियल व्यू में कि कितना फासला है, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि फैसल टाउन सी ब्लॉक और श्रीनगर हाईवे में कितना टोटल डिस्टेंस बनता है। तो ये मेन कमर्शियल है सी ब्लॉक का, यहाँ से मैं आपको एक एरियल व्यू देता हूँ। ये जो बिल्डिंग है ये ऑलरेडी बन चुकी थी, मैं लास्ट 4-5 माह पहले जब आया था यहाँ पे। और ये जो 1, 2 और 3 ये बिल्डिंग्स हैं, ये जो बननी शुरू हुई हैं, ये 3-5 महीनों में ये स्टार्ट की गई हैं। मैन कमर्शियल सी ब्लॉक। अच्छा, एक और डेवलपमेंट जो मुझे यहाँ पे प्रोग्रेस नज़र आ रही है वो ये है कि ये जो जगह है ये 1100 और 1200 की सीरीज़ है। यहाँ 5 मरले, एक इसमें लेन है 7 मरले 30-60 यानी, और ये जो है ये 35-70 है। यहाँ पे जो वाटर चैनल ये नज़र आ रहा है आपको, इसके साथ साथ यहाँ पे 1100 के नंबर्स में डिप्रेशन थी जिसको बड़े अच्छे तरीके से फिल कर दिया गया है। तो इसकी फिलिंग होने के बाद ये आप देखें कि ये सारे प्लॉट लेवल हो चुके हैं। यहाँ पे इस साइड पे जो कमर्शियल प्लॉट थे अपार्टमेंट्स वगैरह के, उसकी भी फिलिंग हो गई ये वाटर चैनल के साथ, देख सकते हैं आप। और ये दो जो लाइन है 30th और 31st स्ट्रीट जो है ये 35-70 की है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और साथ एक छोटा सा पार्क है। ये जो इलाका आपको नज़र आ रहा है ये शायद अभी भी नॉन पोजीशन है ये दोनों, क्योंकि अगर यहाँ पे पोजीशन होता तो ये इसकी डेवलपमेंट कुछ नज़र आ रही होती, लेकिन अभी तक उसी तरह की ये जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। दूसरी तरफ आप देखिए जो स्कूल अभी आपको मैंने ग्राउंड से दिखाया, ये जब मैं स्टार्ट में आया था पहले विज़िट पे तो ये स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी, दूसरी दफ़ा लंटर, और ये भी मैंने देखा है तो ये शायद ऑपरेशनल है। C
सी ब्लॉक में अगर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ये एक घर और यहाँ पे बन रहे हैं कुछ घर। ये जो इन 3-4 महीनों की प्रोग्रेस है, अभी तक जो नज़र आ रहा है वो कॉस्मेटिक टाइप काम अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ जो नॉन पोजिशन एरियाज थे वो उसी तरह अभी भी उनमें कोई डेवलपमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही। ये अपार्टमेंट वगैरह का इलाका है, राइट गेन करके करीब जाते हैं। ये जो है एक कनाल का 2100 और 2200 की सीरीज़ है। इसमें जो मेन चीज़ है, ये एक घर बन चुका है एक कनाल पे। ये देखिए आप, ये वाटर चैनल की दूसरी साइड है और यहाँ पे ये सारी फिलिंग की गई है। ये अब इलाका लेवल है, जबकि पहले 4-5 महीने पहले, 5 महीने तकरीबन, उस वक्त यहाँ पे वाटर चैनल के साथ साथ डिप्रेशन थी। ये सामने क्रिकेट ग्राउंड, और ये आप अगर देखें तो यहाँ पे भी ये दो घर जो हैं ये भी बने हैं। ये स्कूल के सामने जो घर है ये भी पहले का बना हुआ है, उस वक्त था जब लास्ट विजिट मैंने आपके साथ शेयर किया। जो एक और चीज़, यहाँ से रोड जो है ये भी बन चुका है, सी ब्लॉक की जो अपनी एक्सेस है वो भी ऑपरेशनल होने वाली है जल्द ही। यहाँ से आप देखिए कि ये जो लास्ट के प्लाट हैं इनकी कटिंग नज़र आ रही है। ये घर पहले का था, यानी 5 महीने पहले ये घर यहाँ था, लेकिन ये घर नया कंस्ट्रक्शन इसकी हुई है। और मैं दूसरी साइड से जब आपको दिखा रहा था तो उस वक्त ये जो 3 कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं ये इन 4-5 माह में स्टार्ट की गई हैं, एक, ये 2 और ये 3। ये डबल रोड कनेक्ट करेगा श्रीनगर हाईवे को। यहाँ से आपको ये देखिए ये गाड़ियाँ जाती हुई नज़र आ रही होंगी। ये जो है ये श्रीनगर हाईवे है, रोड की दूसरी साइड पे, उस साइड पे 18 प्रोजेक्ट है, हाउसिंग प्रोजेक्ट 18। अच्छा, हमारे एक मेहरबान हैं, उन्होंने कहा था कि ताकीद की थी कि स्ट्रीट नंबर 61 और 62 की अपडेट्स उनके साथ शेयर की जाएं। तो मैं यहाँ पे मैं आई कैन करके आपको दिखाता हूँ, ये 61 और ये 62। तो जी ये जैसे थी वैसे ही हैं, आधी स्ट्रीट्स बनी हुई हैं और उसके बाद जो है ये वैसे ही हैं, आगे इलाका नॉन पोजीशन है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से मज़ीद क्लियर आपको नज़र आएगा। ये ए ब्लॉक और इस साइड पे ये मस्जिद के बाद जो आपको नज़र आ रहा है ये बी ब्लॉक है। आबादी आप देख सकते हैं कि ए और बी में किस हद तक आबादी हो चुकी है। ये दोबारा सी ब्लॉक है। ये स्ट्रीट ऑलरेडी क्रिएटेड थी, इसमें एक ये गांव है और इसमें एक और चीज़ है कि आपने अगर नोटिस किया हो तो ये दीवार, इसके इस साइड पे फेंसिंग जो है ये बनाई गई है। शायद इस इलाके का पोजीशन नहीं था कि दरमियान में ये इलाका रह जाता है और इसमें ये यहाँ पे फेंस भी किया गया है इसको। क्रिकेट ग्राउंड के इस साइड पे ये ऑलरेडी स्ट्रीट क्रिएटेड थी।
और ये दो घर नई कंस्ट्रक्शन है। बैक टू बैक दो घर जो आपको नज़र आ रहे हैं। अब फैसल टाउन की सी ब्लॉक की एक अपडेट तो ये है कि यहाँ पे पहले अगर आप आते हैं या आजकल आप आ रहे हैं तो आप ए ब्लॉक के थ्रू यहाँ पे एंट्रेंस लेते हैं, लेकिन एक और एंट्रेंस है जो सी ब्लॉक की अपनी फतेह जंग रोड से एंट्रेंस है, वो भी कुछ दिनों तक ऑपरेशनल हो जाएगी। ये देखें रोड कारपेट हो गया है। अभी यहाँ पे ये कुछ गेट का कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से अभी ये थ्रू नहीं किया गया फतेह जंग रोड के साथ, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये रोड कारपेट हो चुका है कम्प्लीटली। जी तो ये थी फैसल टाउन सी ब्लॉक की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आपकी समातों और बसारतों का शुक्रिया अदा करते हुए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।